Hello everyone. Today we will discuss a new chapter, D and A block element. Last we finished the chapter number 7 or P block element. So now let's us discuss a new chapter, D and A block element. This is your chapter number 8. So I am introduction dekhiya. The introduction ne kon aschi? Basically D and A block periodic table lo ko jagare rahuchi. तार अवस्थिति देह भितर को एलिमेंट आमर अच्छा से सब जिनस अधिक आलोचना करिया। तो तुम्हें मैंने आगुरी जान जे पीरियड टेबल कनसीस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स। तुम्हें सब यहाँ बहुत आगुरी जान जे पीरियड टेबल तैयार होती चार्टा ब्लॉक को लेकिन दैट इज एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। तो ये चार्टा ब्लॉक उपर टोटाल आम पीरियड टेबल डिपेंड कर। तो एस ब्लॉक ऊपर तुम्हें किसी किसी धारणा अच्छी पी ब्लॉक ऊपर भी तुम पाखापाखि आम पूर्व क्लास रे सारे आज आम देखा डी ब्लॉक। ओके तो देखो अबे बेसिकली दिस इज आम अच्छे एस ब्लॉक दिस इज पी ब्लॉक मझे अच्छे आमर डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक आउ पी ब्लॉक रो मझे अवस्थित अच्छे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट आरंभ हो पाखापाखि थर्ड पीरियड टू 3 नंबर पीरियड टू 12 पीरियड पर्यंत। तो इतकी भितर टोटल अच्छे आमर 10टा एलिमेंट गोटे गोटे सीरीज रे 3D 4D 5D 6D आपर आम फॉलो डिस्क्राइब करिया। ओके देखो अबे नॉर्मली एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मैं कौन कहूँ नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक देखा जहाँ भी अच्छे यू आरंभ करके ये पर्यटन यहाँ कह जाए ट्रांजिशन एलिमेंट ये मझीर ग्रुपटा को। एंड एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मझीरे जो रहीगला एफटा जोटा कि मुझे देखे तले रहा कह जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट बाटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आम ए ब्लॉक एलिमेंट उपर आगो को पढ़ा। ओके तो गोटे क्वेश्चन आज ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कम कहुए कौन पे को ट्रांजिशन एलिमेंट कहुए आर बेसिक रीजन हो ये एस ब्लॉक रोचे एस ब्लॉक आ पी ब्लॉक मझे अच्छे। एस ब्लॉक जितने एलिमेंट अच्छे सुड़ा सब जगह मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और पी ब्लॉक जो एलिमेंट अच्छे सुधा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड ऑफ एस ब्लॉक एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जेतु मझे रही जाऊँगी एस ब्लॉक आउ पी ब्लॉक तेणु आपको कह जाए ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और यदि इमित आम पचार डी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेशन कौन हो पार चलो देखिए आप डी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेशन। देखो द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। जो एलिमेंट रो लास्ट इलेक्ट्रॉनटा एंटर करछि डी ऑर्बिटल भितर ताको आमे डी ब्लॉक एलिमेंट बोली कहचे। और द एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीट एन माइनस वन डी ऑर्बिटल आर ऑल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और आउ कौन कहपर द एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीट एन माइनस वन डी ऑर्बिटल जो एलिमेंट आमर इनकम्प्लीट एन माइनस वन डी ऑर्बिटल ये करछि ताको मधे आमे डी ब्लॉक एलिमेंट कहपर। एलिमेंट हेम्पे डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप फ्रॉम 3 to 12। देखो डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप फ्रॉम 3 to 12। एठ आरंभ होइछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए 10टा ग्रुप को लेकिन आम डी ब्लॉक गढ़ा है। 10टा ग्रुप अच्छे 3 to 12 पर्यंत। इट इज अल्सो कनसीस्ट ऑफ 8 ओल्ड ग्रुप। आम यदि पुराणा पीरियड टेबल देखा तो आमर 8टा ओल्ड ग्रुप को लेकिन लाइक आई बी आई आई बी आई ट्रिपल आई बी आई भी 4B 5B 6B 7B 8 एटा को लेकिन डी ब्लॉक गढ़ाई। और गोटे कथा डी ब्लॉक कनसीस्ट ऑफ 4 डिफरेंट सीरीज 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज 6D सीरीज आउ आपको मध्य कौन कह जाए फास्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। आउ प्रत्येक ग्रुप बा सीरीज 10टा लेखे एलिमेंट कंटेन करते 3D 4D 5D 10टा लेखे आउ 6D ओनली 8टा इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करते। कौन पे ना
ଏଇଟା ଆମର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାକ, ତ ଇଏ ଅଧିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ହେଇନି, ତ ଆଠଟା ହିଁ ଇଏ କଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ତ ଆମ ମନ ରଖିବାର ଅଛି 3D, 4D, 5D। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଏବେ ଦେଖିବା, ଚାଲ। ଓକେ ଦେଖ, ଡି ବ୍ଲକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିରିଜ, ଡି ବ୍ଲକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି ଚାରିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିରିଜ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 3D ସିରିଜ, 4D ସିରିଜ, 5D ସିରିଜ, 6D ସିରିଜ। ଅର୍ 3D ସିରିଜକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ସିରିଜ କହୁଛେ, 4D ସିରିଜକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ସିରିଜ କହୁଛେ, 5Dକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ସିରିଜ କହୁଛେ, 6Dକୁ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ସିରିଜ କହୁଛେ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି 10ଟା ଲେଖେ, 10ଟା ଲେଖେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, 30 10ଟା, 4D 10ଟା, 5D 10ଟା, ଆଉ 6D ମଧ୍ୟ 10ଟା, ସରି 6D 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କମେ ନା। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ନୂଆରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ 3D ସିରିଜ। ओके देखो, दिस इज 3D सीरीज, इट कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, दैट इज 31 टू एटॉमिक नंबर, सॉरी 21 टू एटॉमिक नंबर 30। इट इनवॉल्व द ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, ये कौन करछे, बेसिकली 3D ऑर्बिटल फिलअप उपरे रहिछे। इट इज द पार्ट ऑफ फोर्थ पीरियड, आम देखिले एटा गोटे पार्ट होछे फोर्थ पीरियड रो। देखो एटा कौन होछे, ଏଇଟାରେ ଫାଷ୍ଟ 3D ସବସେଲ୍ ଫିଲଅପ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ନା ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିଛେ ଯେ 3D ପରେ 4 ଆସୁଛି। ତ 1 to 10, ଏଠି 1 ରହିଲା, 2 ରହିଲା, 3 ରହିଲା, ତ ଏ ଅନୁସାରେ ଏ ଗୋଟେ 10 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିଲଅପ୍ ହେଉଛି, 4S1 ନହେଲେ 2 ଏସ୍ରେ ଓନ୍ଲି 1 ନହେଲେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିବ। ଆର୍ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆର୍ଗନ୍ର 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତା'ପରେ 3D 1 to 10 ଆସୁଛି, 4S1 2। ଏଠି ରହୁଛି କ୍ରୋମିୟମ୍ର 24, ଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କନଫିଗରେସନ୍ ଏଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, କପର୍ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ପଢ଼ି ସାରିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେଟେସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫେସନ୍ ଏ ଯୋଡ଼ି ଯାହାର ରୁହେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ତୁମମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ରେଡ଼ୁ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବା ଯାହା ବି ଅଛି, ତୁମମାନେ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ପଢ଼ି ସାରିଛ। ତ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ 3D ସିରିଜ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ 3D ସିରିଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ 3D ଅର୍ବିଟାଲ, ଯେହେତୁ ଏଠି 3D ଅର୍ବିଟାଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ 3D ସିରିଜ କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର। ବାସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ତ ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ। ଦେଖ 3D ସିରିଜକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ମନେ ରଖିଲେ ତୁମର 3D ସିରିଜ ମନେ ପକେଇବ। ଆର କ'ଣ ହେଉଛି, ଶକ୍ତି ବକ୍ରମନ ଫେକୋ ନିକୋଜନ, ଶକ୍ତି ବକ୍ରମନ ଫେକୋ ନିକୋଜନ, ଶକ୍ ଶକ୍ ରହୁଛି ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ, ତି ତି ରହୁଛି ଟାଇଟାନିୟମ, ବ ଭାକ୍ରାନିୟମ, କ୍ର କ୍ରୋମିୟମ, ମନ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଫେ ଏଫି ଫେ ଫେରସ, ସିଓ କୋବାଲ୍ଟ, କୋ ନି ନିକେଲ, କପର କୋ ଜିଙ୍କ ଜାର୍ଡେନ ଜିଙ୍କ, ଶକ୍ତି ବକ୍ରମନ ଫେକୋ ନିକୋଜନ, ଶକ୍ତି ବକ୍ରମନ ଫେକୋ ନିକୋଜନ। ତ ଏତିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ଆରାମରେ ଏ 30ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଏ 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 4D ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।